अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब कैरियर से होंगे, मज़े से होंगे अपने अपने खर्चों पर। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं अच्छाई पर बुराई पर, कि भाई लोग बोलते हैं कि हम अच्छाई और बुराई में फ़र्क कैसे पता करें, लगता ही नहीं है, क्योंकि आजकल हर बंदे की मीठी ज़ुबान हो गई है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं गुड जैसी, और आपको लगता है यार यही लोग तो हैं आपके अपने, मगर ऐसा है ही नहीं, है ही नहीं। यकीन माने, अगर ज़िंदगी में आपको अच्छाई और बुराई में फ़र्क देखना है ना, तो जिस बंदे पर भी आपने अंधा एतमाद किया हो कभी भी किसी भी वक्त, और उसका अच्छा सोचा हो और कोशिश की हो कि भाई इसकी इसकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर हो जाए, तो प्लीज़ उस बंदे से या उस लड़के से या उस लड़की से या किसी से भी जिसके साथ भी किया हो उससे दूर हो जाएं, इतना दूर हो जाएं, इतना दूर हो जाएं कि आपकी कोई भी मतलब किसी किस्म का रब्ता ना हो। यकीन माने, इसमें गैर भी हैं, अपने भी हैं, गैर सब हैं, सब दोस्त वो सब कुछ, उनसे दूर हो जाएं, क्योंकि एक्चुअली उनको छोटा महसूस होता है, उनको कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके ऐसा लगता है कि भाई इसने हमारे लिए ऐसा सोचा, हम इसके बारे में ऐसा नहीं सोचते थे, मगर वो अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। आई नो थोड़ी सी वियर्ड सी फीलिंग है, बट होती है, चाहे हो ना हो। हमारे यहाँ तो भाई कहते हैं कि जिसके साथ एहसान करो उसके शर से बचो, सीधी सीधी बात है, अब अच्छी लगे या बुरी, बट हकीकत यही है। खैर एनीवेज, अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो और आप इत्तेफाक रखते हो या नहीं रखते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।